ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप तो आप लोग सारे ठीक होंगे। तो भाई यहाँ पे जो है वो बारिश हो रही है, ये एज यू कैन सी, कल यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं था, आज यहाँ पे जो है वो बारिश हो रही है एज यूजुअल। जब भी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना, और A380 को जो है ना वो गुजरना होता है, क्या पता कोई कॉन्सिडेंस हो गया मेरे ब्लॉग की टाइमिंग और इसकी टाइमिंग जो है वो सेव हो, तो यहाँ पर सारे पिच वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बिक चुके हैं, और वेदर जो है ना वो अच्छा चुम्मे शो रो, कपड़े देख रहे हो भाई के, कपड़े भी जो है ना वो सारे भीग चुके हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल डेरा, मुझे क्योंकि अपने एक दोस्त से मिलना है, एंड देन डेरा जाने के बाद मुझे जाना है एकदम म्यूज़ियम, मतलब म्यूज़ियम जाना है। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे स्टार्ट। तो क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब ये सिर्फ कराची के हालात नहीं होते, आपके भाई ने कपड़े भी पूरे वाइट वाइट पहने हैं, तो बिल्कुल संभल संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि पानी यहाँ पे भी जो है ना वो खड़ा हो गया आएगा। लेकिन बस अभी जो है वो यहाँ पे सर्दी हद से ज़्यादा जो है ना वो सर्दी हो गई है, इस वजह से मैंने जो है ना वो अब तकरीबन जब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग पे गया था उसी वक्त मैंने जो है ना वो ये सारी चीज़ें ले ली थी। और अबे यार देख रो, ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी साफ़, और उसी वक्त जो है ना वो अपा ने मुझे ये दिला दी थी चीज़ें। अब कहीं जहाँ के मेट्रो स्टेशन, एक तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो मेट्रो स्टेशन जाते हैं, कार्ड को फिलअप करवाते हैं और फिर चलते हैं डेरा। ये व्लॉग्स में मैं पर्सनली मेरे व्लॉग्स में आप देख रहे हैं, कभी भी मैं दुबई में आया हूँ तो मुझे बारिश जो है वो एक्सपीरियंस नहीं हुई है। आज आप लोग जो है वो बारिश भी देख लो भाई, यहाँ पे भी जो है ना वो बारिश होती है। अबे यार जब 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 आपका भाई व्लॉग स्टार्ट करता है तब तक प्लेन को निकलना होता है, क्यों भाई क्यों? अभी मैं बेसिकली मैं जा रहा हूँ मेट्रो पर, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इसको क्रॉस करना है इन चीज़ों को। ओ भाई हम तो आदी हैं भाई, हम तो आदी हैं, और शूज़ भी मेरे जो है ना वो हो गए गंदे, तो अब मैं सोच रहा हूँ ये मोज़ों को जो है वो फेंक दूँगा और जो है ना वो नए मोज़े बाय करूँगा, क्योंकि मुझे म्यूज़ियम जाना है और वहाँ पे मैं ये गंदे चीज़ें लेके नहीं जा सकता, स्ट्रिक्टली मना है। अपॉइंटमेंट है, मतलब मैंने जो रिजर्वेशन करवाई है उसकी, क्या कहते हैं शेख जायद जो है वो इसकी यूनिवर्सिटी की, मेरी जो है ना वो शेख जायद की जो लाइब्रेरी है उसकी जो अपॉइंटमेंट है, यार पूरा गीला हो गया आपका भाई, आप देखते हो पूरा गीला हो गया। उसकी अपॉइंटमेंट है तकरीबन 7 बजे की, मैं समझा 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मैं अभी जो है वो बनियास का हूँ, मतलब डेरा का, और मुझे याद आएगा यहीं पर जो है ना वो पाक लियारी रेस्टोरेंट है जिसका आपके पास शदाई है, उसकी बिरयानी का, बिरयानी जो है वो कब से मैंने ट्राई नहीं की, तो अभी जाते हैं और वहाँ पर जाके बिरयानी ट्राई कर, तो इंटरनेट ढूंढते क्योंकि मैंने अपना जो है वो वीडियो में अपलोड करना है, टाइम निकल गया है, मैं अपने कज़न से बैठे बैठे जो है ना इतना टाइम हो गया कि टाइम ही निकल गया कि मुझे वीडियो भी जो है ना वो अपलोड करनी है, तो पहले जो है वो पाक लियारी रेस्टोरेंट को ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठ के जो है वो बिरयानी खाते हैं। जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही तकरीबन, मैंने कज़न से पूछा तो बोला कि 10 बजे से जो है ना वो बारिश हो ही रही है कंटिन्यूसली, मतलब इतनी तेज़ वाली बारिश नहीं है लेकिन जो मतलब कंटिन्यूसली हो ही रही है, तो रोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा गीले हो गए, और दूसरी बात ये कि मेरे चप्पल इतने स्लिप हो रहे हैं जिसकी हालत नहीं। ये है सबसे पुरानी इनकी पाक लियारी, आप लोगों ने खलीज टाइम्स के अंदर जो है वो देखा होगा इनका जो है ना इंटरव्यू, तो ये इनके सबसे पुरानी वाली ब्रांच है, एक ब्रांच कहीं और शिफ्ट हो गई है वो अभी मुझे मिल नहीं रही, तो अभी मैं जो है वो यहाँ पर आता हूँ दोपहर का खाना खाता हूँ, मुझे जो है ना बहुत भूख लग रही है। ये आ गई है हमारी बिरयानी, द फेमस पाक लियारी बिरयानी, इस बार हमने जो है वो ना मटन मंगाई ना चिकन, हम लोगों ने बनाई है बीफ की बिरयानी, और बस अभी इसको ट्राई करते हैं, बताते हैं कि भाई इसका टेस्ट चेंज हुआ है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है, शुक्रिया। पहले खाना खाते देन टूवर्ड लाइब्रेरी। सी इतना दूर, मतलब वो है कि मेट्रो बिल्कुल खाली हो गई है भाई, और मुझे जाना है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है यानी वो सामने जो है ना मुझे जाना है म्यूजियम में, और मेट्रो बिल्कुल खाली है, बस मैं बैठा हूँ और मेरे साथ ही मैं ही हूँ, आखिरी ना यहाँ पे कोई बैठा हुआ है ना वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, कोई भी नहीं है, मुझे जो है वो सामने जाना है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, वो
खूबसूरत जो है ना वो ये लाइब्रेरी लग रही है दूर से। अभी करीब जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन्स है इसके। आप लोग जो है वो किसी भी स्टेशन से बैठिए और लास्ट स्टेशन है ग्रीक का। ग्रीक के स्टेशन पे से जैसे वहाँ से बाहर निकलेंगे बिल्कुल इसके सामने जो है ना वो क्या क्लासिकल लाइब्रेरी बनाई हुई है मोहम्मद बिन जायद लाइब्रेरी। और ये पूरा ये वाला जो रोड है ये सेक्शन जो है वो उसका नाम क्या है बाइक्स और जो भी मोटरसाइकिल्स है जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करते हैं उनके लिए। एंड देन मेरे सामने एक पूरी की पूरी जो है ना वो एक जैसे किताब होती है उसका पूरा एक शेप है। ये वो शेप है मेरे अभी मेरे पास जो है वो आधा घंटा है। आई डोंट नो कि मुझे इससे पहले जल्दी जाने देंगे या नहीं लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो आधा घंटा है। और सामने सुनसान रास्ता है कोई भी नहीं है भाई डर लग रहा है। यहाँ पे भी कोई भी नहीं है वहाँ पे भी कोई भी नहीं है। वो भाई साहब मैं तो डरने की कोई बात नहीं है लेकिन सर्दी इतनी हो रही है यहाँ पर जिसकी मतलब हद से ज़्यादा एक तो हवा चल बारिश अभी जाके जो है वो यहाँ पर रुकी है और हद से ज़्यादा जो है ना यहाँ सर्दी हो गई मतलब कराची वाला जो वाइब्स आ गई है यहाँ पे ना। मैं ये गलती से एक तो मेरे कपड़े भी जो है ना वो गीले सारे इस वजह से मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है कि घर जाऊँगा घर पे जाके मैं सबसे पहले जो है ना एक जैकेट बाय करूँगा जो मैं जो है ना वेयर करके घूमूँगा क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है जो है ना वो मतलब कम हो जैकेट के बगैर बाहर नहीं निकल सकती इतनी ज़्यादा जो है ना हवा भी चल रही है। वो क्या ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जो है ना वो बनाया है लाइब्रेरी का बाहर से इतनी खूबसूरत है पूरा रास्ता। सबसे मेन चीज़ क्या है कि सामने ही जो है ना वो मेट्रो है। मेट्रो से जैसे आप उतरेंगे सबसे ईजीएस्ट वे टू ट्रैवल इन दुबई सामने मेट्रो सबसे लास्ट स्टेशन एंड देन सामने अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस अमेजिंग। वाओ यार क्या मास्टरपीस बना हुआ है दिस इज़ अमेजिंग। वहाँ पे वो लड़की खड़ी हुई है एंड देन उसके जो है वो उसका रिफ्लेक्शन आ रहेगा वो लड़की वहाँ पर खड़ी हुई है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ पर एंड देन द लाइब्रेरी इटसेल्फ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी है। बहुत ऊपर तक जो है वो उसके स्टेयर्स वगैरह मैं इतनी हल्के इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़ रहेंगे। और लुक एट दिस मतलब कि इसके जो लिफ्ट्स हैं उसको भी जो है ना कितना फ्यूचरिस्टिक बनाया पाएगा अमेजिंग अमेजिंग। ओ हो स्टॉप हियर एंजॉय द एक्सपीरियंस। सो ये मैं किधर हूँ दैट्स माई कैमरा and that's me I think hi that's me okay howdy oh teri khair oh bhai sahab oh bhai sahab hey abhi yaar ye aapka bhai aa gaya hi oh Amazing. ओ भाई साहब वर्थ इट है यहाँ पे आओ इट्स वर्थ इट। अभी मैंने मालूम ये क्या है कि फर्स्ट सेकंड एंड ये फ्लोर्स खुले हुए हैं एंड देन फोर फाइव जो है वो फ्लोर्स बंद है बाकी 5, 6, 7, 8 ये वाले फ्लोर्स जो है वो आपको मिल सकते हैं फॉर द विजिटर्स। तो क्या खूबसूरत लाइब्रेरी है यार मतलब ये तो सिर्फ एक पोर्शन है लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी मैंने तो खैर लाइब्रेरी गया ही नहीं हूँ लेकिन आया भी तो ऐसी लाइब्रेरी में आया कि दिल खुश हो गया भाई। कोई नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए पढ़ने के लिए लेकिन वो वाला जो सेक्शन था नीचे वाला वो ज़्यादा वर्थ इट है। मुझे एक पिक्चर लेनी है जहाँ पे जो है पूरा लाइब्रेरी जो है वो क्या कहते हैं पीछे पूरी लाइब्रेरी की शॉप वो आ रही है बुक्स वगैरह। आई डोंट नो वो वाला हिस्सा कहाँ पर मैं उस वाले हिस्से को ढूंढ रहा हूँ वहाँ पर ले जाए मैं जाके पिक्चर्स में। ओके भाई तो हम लोग जो है वो द फ्यूचर एंड द पास्ट एंड द प्रेजेंट के अंदर जो है वो इनकी लाइब्रेरी के अंदर एक सेक्शन है उसके अंदर जो है वो अभी यहाँ पे आ गए हैं। और ये सारी जितने भी जो है वो पेंटिंग्स वगैरह दिख रही हैंगी इट्स एन आर्ट 1940 के अंदर किस तरीके से दुबई हुआ करता था ये सारा जो है वो यहाँ पर बताया हुआ एंड देन यहाँ पर जो है वो सारी उसकी जिस जिसको पढ़ना आएगा इसको पॉज करके पढ़ लेना सारी जितनी भी जो है वो पुरानी पुरानी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मतलब फ्रॉम द पास्ट 1940 में ये कब का है मक्ता वॉच टावर ये वॉच टावर है कोई और यहाँ पे जो है वो बहुत मतलब जो पहले दुबई था उसके बारे में जो है वो सारी की इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी
एंड देन यहाँ पे आए तो आई थिंक ये रूलर्स हैं दुबई के। अमेजिंग अमेजिंग यार, मतलब मैं दंग रह गया हूँ, दंग कि ऐसी यहाँ पे जो है वो इसको विज़िट करना चाहिए। मुझे पप्पा ने कहा था कि यहाँ पे जो है वो इसको विज़िट करो, तो मैं जो है वो ये लाइब्रेरी में आके बड़ा ही मज़ा आ गया यार। अमेजिंग अमेजिंग, क्या खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई है। इस वाले फ्रेम में ये बताया कि जो द रूलर है दुबई के, वो किन किन शेखों से मिले हैं, मतलब द प्रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज़, उन उन कंट्रीज़ के बारे में इस छोटी सी चिट जो लगी हुई है यहाँ पे जो है पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड देन यहाँ पे जो है वो ये पिक्चर्स वगैरह हैं इस लाइब्रेरी के। एंड देन यहाँ पे जो है ना वो सब बताया गया कौन कौन से जो है वो कंट्रीज़ के रूलर से जो है वो ये इनकी मुलाकात हुई है। ये सारा जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। तो भाई यहाँ पे इतनी इतनी जो है वो मुताला के लिए किताबें रखी हुई होंगी जिसकी कोई हद नहीं। पूरा स्टेयर्स जो है वो पूरा मुताला के लिए जो है रखा हुआ है। एंड द सबसे बेस्ट पार्ट इसका लिफ्ट सिस्टम है ना, एक तो वॉरल सिस्टम मैंने आपको बताया, एंड देन द सेकेंड वन इज़ दिस वन। ये जो पूरा व्यू आता है ना, इट्स समथिंग डिफरेंट, समथिंग अमेजिंग। और वो वाला जो हिस्सा है वो है कैफेटेरिया के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, अब मुझे अपनी वीडियो भी जो है वो अपलोड करनी थी, तो मैं जो है वो यहाँ पे बैठ गया, वीडियो भी मेरी जो है वो अपलोड हो गई है। और अब मैं जाऊँगा बाहर, और बाहर जाके डायरेक्ट जाऊँगा घर पर, क्योंकि मैंने कुछ पहना हुआ भी नहीं, कपड़े भी जो है ना अभी कल के जो है गीले, समझे आप भाई जी। दैट्स इट, दैट्स अ व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को जो है वो आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और दुबई का मौसम जो है ना वो हो गया है बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो सनसेट वाला, बट मैं कहना नहीं चाहता, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो दुबई का मौसम हो गया है। तो यस, मुझे मुझसे आप हमारी पूरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। अभी मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।